अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो मैं ना आज आप लोग से कुछ शेयर करना चाह रही हूँ। मुझे नहीं पता कि आप लोग से मुझे ये बात शेयर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, बट मैं फिर भी कर रही हूँ। और अभी से कुछ महीने पहले मेरा प्लान बना था अजमेर शरीफ जाने का। उस टाइम पे ना मेरे पास कुछ ऐसी रील्स आती थी ना कि मज़ार पे जाना शिर्क है और बहुत कुछ ऐसा। तो मेरी टिकट वगैरह सब कुछ हो गई थी जाने की। तो वो रील्स वगैरह को देख के मेरे मन में ऐसा आया कि हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसा सच में ऐसा होगा। तो उसके बाद ऐसा हुआ ना कि मैं जाने ही वाली थी, पर दो दिन पहले मेरा प्लान हो गया कैंसिल, मेरा एग्ज़ाम हो गया। और एग्ज़ाम को छोड़ के तो जा ही नहीं सकती क्योंकि वो मेन एग्ज़ाम था मेरा। कैसा ख्याल आया कि नहीं यार, एग्ज़ाम की वजह से नहीं है, मैं ना मतलब कि ख्वाजा जी मुझसे नाराज़ हो गए और मुझे बुलाना ही नहीं चाह रहे हैं। मुझे ये चीज़ समझ आई, फिर मैंने बहुत माफ़ी मांगी और दुआओं में मैंने बहुत सारा मैंने बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा था मुझे कि मैं ये सब कैसे, मेरे मन में ऐसा ख्याल कैसे आ गया। फिर ना मतलब कि ऐसे बहुत दिन से मैं माफ़ी मांगती रही ख्वाजा जी से, अल्लाह पाक से भी दुआ करती थी कि मतलब माफ़ कर दें मुझे ख्वाजा जी। फिर ऐसा हुआ ना कि कल रात को सपने में मैं अजमेर शरीफ गई थी अपने अम्मी अब्बू और अपने हमसफर के साथ ही। तो मेरी बहुत खुशखबरी है। और जैसे ही मैं सो के उठी ना, मतलब अम्मी मेरे को उठाने आती है, मैं सो रही होती हूँ, तो अम्मी ने बोला कि उठो। तो मैंने बोला अम्मी मैं अजमेर से गई थी। तो अम्मी इतनी खुश होती थी, सुभान अल्लाह। तो मुझे ऐसा लगा जैसे खलजी ने मुझे बुलाया है और अब मैं अजमेर से इंशाल्लाह जाऊँगी जल्द से जल्द।